का प्रणाम। अभी अनिल बाबू बोल रहे थे आज की स्थिति पर, कोरोना के विषय में कि इसका प्रसार अभी भी जारी है। लेकिन हमने भी सुना है कि कई स्थानों पर लोग कमरे में या बरामदे में गुरु भाई बहनों को बुलाते हैं। मैंने तस्वीरें भी देखी हैं, छपरा हुआ, रोहतास हुआ, अन्य जिले भी हैं। ये लोग साप्ताहिक चर्चाएं करती हैं। अमूमन वही लोग करते हैं जो पुराने शिव शिष्य हैं। नए लोग बात सुन लेते हैं, पुराने लोग तो भाई सीनियर हैं तो कैसे सुनेंगे। लेकिन ये बात ठीक नहीं है। शिव शिष्य दूसरों का ख्याल रखते हैं, अपनों का ख्याल रखते हैं। हम लोग दूसरों के दुश्मन बन जाते हैं, समाज के हम लोग शत्रु हो जाते हैं। मित्र भाव या सहृदयता का भाव हम लोगों के पास है ही नहीं। जैसे जैसे शिव शिष्यता हमारे आपके मन में प्रवेश करती है, मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों को, कुछ ही लोग हैं जो समाज के शत्रु हो गए, लोगों के शत्रु हो गए, परिवार के शत्रु हो गए। वो जरा भी ख्याल नहीं रखते कि बीमारियाँ फैलती हैं तो उनको रोका कैसे जाए, उनसे दूरी कैसे बनाई जाए। चर्चा इन लोगों को लगती है यही महादेव। शिव चर्चाएं जो हो रही हैं या होती थी पहले, लोगों की उत्कंठा इतनी ज़्यादा है शिव चर्चाओं के माध्यम से कि लगता है कि शिव की कोई कीमत ही नहीं। शिव चर्चा एक कीमत है क्योंकि उसमें सम्मान छिपा हुआ है, एक मोहल्ले में वर्चस्व छिपा हुआ है, एक इलाके में आपका अदब छिपा हुआ है, आपका सम्मान छिपा हुआ है। लेकिन शिव की कीमत नहीं रह गई। मैं तो कहता हूँ ये लोग शिव शिष्य नहीं है, ये लोग चर्चरिया हैं, चर्चा के शिष्य हैं। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि आप चर्चा के शिष्य हो जाएं, मंत्रों के शिष्य हो जाएं। आपको हमको शिव का शिष्य बनना है। महादेव हम लोगों के गुरु हैं, शिव हम लोगों के गुरु हैं, हम लोगों ने उनको गुरु माना है तो उनकी कीमत न ज़्यादा होगी। आदमी का स्वभाव है कि जिस चीज़ का महत्व ज़्यादा लेता है उस ओर उसका आचरण होता है, उस ओर उसकी दिशा होती है। तो महत्व चर्चा का ज़्यादा है, इसीलिए इस रोक में भी, मनाही में भी लोग चर्चाओं के पीछे पागल हैं, समझते नहीं। ये शिव शिष्यता नहीं है, ये शिव शिष्यता का मजाक हो रहा। चलिए देखते हैं जिज्ञासाएं क्या आई हैं। लेकिन ऐसा नहीं करें आप। हमने शिव को गुरु माना था, मैंने कई बार कहा कि 1974 में कुछ हमको पता नहीं था कि चर्चाएं क्या होती, मैं जानता ही नहीं था। लेकिन क्या मेरे शिव गुरु हुए कि नहीं हुए? बिना चर्चा के मैंने शिव शिष्यता का सूत्रपात 1982 में किया कि नहीं किया? अजीब स्थिति है चर्चा की। 30 जून तक चर्चा बंद है, जो स्थिति जा रही है अभी आने वाले कई महीनों तक बंद होगी। मैं तो संस्था में हूँ नहीं, इसलिए आपके खिलाफ कुछ कर नहीं सकता, लेकिन बोल तो सकता हूँ आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आइए देखते हैं जिज्ञासाएँ क्या आई। जी, बहुत सारी जिज्ञासाएँ हैं जिसमें भाई विवेक वत्सल हैं इंदौर से, मध्य प्रदेश से, कि साहब से हमेशा सुना है कि हम सब शिव के ही अंश हैं, जो शिव में है वो हम में भी है, जैसे प्रेम, दया और सभी प्रकार के भाव। अगर सारे भाव मनुष्य में स्वाभाविक हैं तो शिष्य भाव स्वाभाविक क्यों नहीं? हमें अपने गुरु का शिष्य बनना पड़ता है। गुरु ने सारे प्राणियों में शिष्य का भाव स्वाभाविक क्यों नहीं बनाया? देखिए ऐसा है कि हम लोगों के पास पिता का भाव है, माँ का भी भाव है लोगों के पास। लेकिन क्या 4 साल के बच्चे में पिता का भाव होता है? क्या 5 साल की बच्ची में माँ का भाव होता है? जब तक संतान नहीं होगी माँ का भाव उधर नहीं होगा।
पिता का भाव उदय नहीं होगा। ठीक उसी तरह से जब तक हमारे आपके मन में शिष्य भाव नहीं जगेगा तो गुरु भाव से जुड़ेगा नहीं। गुरु भाव है हमारे आपके बीच में, दया का भाव है हमारे आपके बीच में, वशी वैसा थोड़ी है। उसने जो जीव बनाए हैं तो उसने सब कुछ उसको दिया है, जो गुरु के पास है सो आपके पास भी है, जो आपके पास है वो गुरु के पास भी है। तो उसने शिष्य भाव भी दिया है, गुरु भाव भी दिया है, लेकिन अनुकूल परिवेश होने पर ही वो उदय होगा। बिया है, बरगद का बिया ले लीजिए, रखा हुआ है, वृक्ष होगा, संभावना है वृक्ष की, बहुत विशाल वृक्ष की संभावना है, लेकिन वृक्ष नहीं होगा। जब तक कि उसको कंजीनियल एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा, जब तक उसको अनुकूल वातावरण नहीं मिलेगा, मिट्टी पानी हवा धूप, तब तक वो बीज अंकुरित नहीं होगा। बीज है, ठीक उसी तरह से ये सारे भावों के बीज हम लोगों के मन में हैं, वो परिस्थिति जन्य होते हैं, और जब तक उसको वैसा वातावरण नहीं मिलेगा ये अंकुरित नहीं होंगे। तो शिव गुरु हैं, वो हमारे आपके बीच हमारे आप में भी हैं। शिव की उसका सृष्टि भाव जिस तरह से छिपा हुआ है सब में, जगत में चल रहा है सारा जगत, जिससे उसमें उनका गुरु भाव भी छिपा हुआ है। सारे भाव वहाँ निहित हैं, सारे भाव व्यक्ति में भी हैं, गुरु में भी हैं, परमात्मा है वो। तो जैसे आप शिष्य भाव को उद्भासित करेंगे, जैसे आप शिष्य भाव को अंकुरित करेंगे, वैसे गुरु भाव शिव के प्रति करेंगे तो शिव गुरु का भाव उससे जुड़ेगा, शिव भाव जो अपना जो काम है उसका करेगा, आपको शिव की ओर उन्मुख करेगा। जी भाई राम नारायण जी हैं भागलपुर से। आप अक्सर कहा करते हैं कि मंजिल मिले ना मिले हमें इसका गम नहीं, मंजिल के जुस्तजू में मेरा कारवां तो है, तो क्या मंजिल वास्तव में मिलेगी या सिर्फ कारवां ही बन के रह जाएगा? अगर आदमी ये सोचे कि उसको परिणाम मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे एक विशेष कार्य के, तब तो वो कार्य ही नहीं करे। वो सुना है ना भाई साहब कि जब से चला हूँ मंजिल की ओर कभी मील का पत्थर नहीं देखा, कितना किलोमीटर गए वो इतना पहुँच गए, मील का पत्थर नहीं देखा। तो मंजिल मिले ना मिले, भैया शिव को पाना तो आसान नहीं है, शिव तक पहुंचना तो आसान नहीं है, लेकिन उस दिशा में चलने में क्या है? चलेंगे हम? मैं बहुत पहले कहा करता था, मेरे पिताजी बहुत क्रुद्ध होते थे मुझ पर कि तुम अपना काम छोड़ के सब कौन धंधा करता है, महादेव महादेव क्या करता। तो हम कहते थे कि कोई गंदी आदत किसी बेटे में हो और बेटा सहना हो गया, मैं तो डिप्टी कलेक्टर हो गया था, तो पिता की बात नहीं सुनता, पिता लाख समझाता है कि गंदी आदत छोड़ो, वो सुनता ही नहीं, अंत में पिता दरकिनार हो जाते हैं, खुद ही दरकिनार हो जाते हैं, तो नहीं छोड़ता। तो हमने कहा कि मैं महादेव महादेव करता हूँ, देखता हूँ यहाँ क्या होता है, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है कि मंजिल मिलेगी ना मिलेगी, शिव की ओर चलना है, कम से कम जगत को दुनिया को दुनिया के लोगों को शिवोन्मुख किया जाए, कोशिश की जाए कि उनमें शिव का भाव उतरे, शिव जैसा उनमें आचरण हो, अशिव का आचरण कम से कम नहीं हो। जी भाई ओम जी हैं विराटनगर नेपाल से। शिष्यानुभूति में आपने लिखा है कि किसी भी परिस्थिति में शिष्य के लिए शिव गुरु की मात्र साकार स्थिति स्वीकार नहीं है, तो गुरु की साकार स्थिति क्या है, निराकार स्थिति क्या है, किस स्थिति में हम निराकार को स्वीकार करें या साकार को अंगीकार करें? देखिए आप भी साकार हैं कि नहीं है इस पर संदेह, ये उनका सवाल है। ओम जी नेपाल। ओम जी आप शरीर हैं कि शरीर से अलग हैं? ये आपका शरीर है, ये एक पर्टिकुलर एक आदमी का शरीर है, आप तो मन भी नहीं है। क्यों आपकी आप कहते हैं कि आज मेरा मन नहीं है बाजार नहीं जाएंगे, जैसे आदमी बोलता है कि आज मेरा पाँव दर्द कर रहा है मैं नहीं जाऊँगा, तो पाँव थोड़ी
मेरी चप्पल टूट गई है, इसका मतलब आप चप्पल हैं। मेरा मन दुखी है, इसका मतलब आप मन हैं। आप मन भी नहीं है, आप शरीर, शरीर शरीर कितने अवयव बदल जाते हैं। आप चिकित्सा विज्ञान देखिए, चिकित्सकों द्वारा बदल दिए जाते हैं, डॉक्टर्स बदलते हैं, तब भी आप वही रहते हैं। शरीर के अंग प्रत्यंग बदल जाते हैं, दूसरे अंग लग जाते हैं, तब भी आप वही रहते हैं, आप नहीं बदलते हैं। आप मन भी नहीं है, आप हैं कौन? हु आर यू? आप कौन है? वो साकार है कि निराकार है? अभी साकार है, लेकिन ये आकार तो उसका बदल रहा है। छोटा सा बच्चा गोदी में एक दिन इतना बूढ़ा हो गया, फोटो पहचानिएगा। मेरी बचपन की तस्वीर देख के जिसने नहीं जाना है वो नहीं कह सकता यही हरिनारायण है। बचपन का आकार बदल गया, शरीर बदल गया, रूप रंग बदल गया, सब बदल गया, लेकिन हरिनारायण तो है, वो बच्चा हो या बूढ़ा हो। तो देखिए, वो आकार तो बदला, हरिनारायण का कोई आकार तो है नहीं, अभी आकार है जो बदल रहा है, बदलता जा रहा। इस शिव के साथ भी है, आकार माने तो शिव साकार हैं, आकार नहीं माने तो विश्व मूर्ति कहा ही जाता है। नमस्ते नमस्ते, वो विश्व मूर्ति, वो विश्व की मूर्ति है, दिशाएं उनका पोशाक है, अंबर है। तो व्यक्ति को जो मन करे, वो साकार स्थिति हो या निराकार स्थिति हो, कदम तो बढ़ाए। साकार को पकड़ना थोड़ा आसान होता है, लेकिन निराकार ही साकार कोई मान लीजिएगा तो नहीं ना चलेगा। हमको आप शरीर में मान लीजिएगा तो कैसे चलेगा? मेरे मरने के बाद एक सत्ता थी हरिनारायण, जिसने ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया, बुरा किया अच्छा किया। इसीलिए निराकार साकार में बहुत माथा नहीं लगाना है। जो साकार है उसी में निराकार है, जो निराकार है उसी में साकार है। बहन नीलू जी है मिजोरम से। साहब आपसे सुना है कि लौकिक जीवन में पारलौकिक को शामिल करो तो जीवन सुंदर हो जाएगा, और पारलौकिक में लौकिक को शामिल मत करो। आखिर यह लौकिक पारलौकिक क्या है? इस लोक को जब आप परलोक के सिद्धांतों और कर्मों में शामिल करेंगे तो गड़बड़ेगा। और उस लोक को इसमें शामिल करिए, ये सुंदर है। जैसे धरती पर का कोई काम है, उसमें शिव को शामिल कीजिए, उसमें अपने गुरु को शामिल कीजिए, वो काम सुंदर होगा। आपकी आपको आपकी थकान कम हो जाएगी, आपकी परेशानी कम हो जाएगी। विज्ञान कहता है कि सूक्ष्म कामों में किया गया या दूसरों की सहायता में किया गया काम में मन थकता नहीं है, शरीर थकता नहीं है, कम थकता है। तो क्या कह रहे थे जी? लौकिक पर। हाँ, तो इस लोक में अगर पर लोक को आप शामिल करेंगे, वैसे शामिल है वो जी। उसको हटा नहीं सकते आप, करेंगे तो आपको दिक्कत होगी। जगत में तरह तरह के भाव हैं, वहाँ कुछ भाव नहीं चलते, लेकिन वहाँ के भाव को यहाँ शामिल करेंगे तो जगत सुंदर हो जाएगा। शिव को जगत में शामिल करिए, जगत बहुत सुंदर हो जाएगा। जगत को शिव में शामिल कीजिएगा तो हर राजनीति चली जाएगी, सब खत्म हो जाएगा जी। भाई सतीश जी हैं बक्सर बिहार से। क्या जो लोग नमः शिवाय से अपने गुरु शिव को प्रणाम करने का प्रयास करते हैं, उनको महामृत्युंजय जप, पार्थिव शिवलिंग पूजन या रुद्राभिषेक आदि की आवश्यकता पड़ सकती है या नहीं? नमः शिवाय करने वालों को शिव के से संबंधित अन्य पूजा पाठ करने की आवश्यकता पड़ सकती है या नहीं, ये सवाल है ना जी? जी, देखिए, नमः शिवाय शिव का संपूर्ण मंत्र है। नमः शिवाय जो मंत्र है उसका अर्थ शिव को प्रणाम है। शिव के हजारों नाम हैं, वो हजारों नामों को प्रणाम जाता है। एक शिव को प्रणाम करिए तो सबको प्रणाम, हरिनाम को प्रणाम करिए तो सबको प्रणाम जाएगा। मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी भी था, मैं ड्राइवर भी हूँ, बहुत काम मैं जानता हूँ। तो वो सारे काम को एक साथ हम ही को प्रणाम कर लिया तो सब काम हो गए। मुझको आप कहें कि मुझको गाड़ी से ले जाके वहाँ पहुँचा दिए, मैं पहुँचा दूँगा। मेरा काम ड्राइवर करना थोड़ी है,
लेकिन हरिनाम से जुड़े हैं तो हमको जो जो आता है वो काम मैं आपको कर दूंगा। तो शिव से जब जुड़िएगा, कहा जाता है नमः शिवाय, शिव के समग्र स्वरूप को प्रणाम है। समग्र उनके जितने स्वरूप हैं, अपने रूप हैं, रूप तो जगत भी है, स्वरूप उनके जितने हैं, महाकाल हैं, मृत्युंजय हैं, अघोरेश्वर हैं, महादेव हैं, शिव के समग्र स्वरूप को नमः शिवाय प्रणाम करता है, प्रणाम निवेदित करता है नमः शिवाय। अब जप करते हैं आप, जप अगर मंत्रों का जप अगर सही ढंग से करते हैं, यानी उसमें भाव प्रणाम हो रहा है, नमः शिवाय का मानी अगर चैतन्य और अर्थ उसमें जा रहा है, आपके मन में आ रहा है, शिव को प्रणाम हो रहा है, अगर मन अनुक्रम से शिव को प्रणाम कर रहा है, तो मेरा अपना विचार है किसी अन्य पूजा पाठ की कोई आवश्यकता नहीं है। और देवताओं को प्रसन्न करेंगे आप तो शिव प्रसन्न नहीं होंगे, लेकिन शिव को प्रसन्न कर लेंगे आप तो सभी देवता प्रसन्न हो जाएंगे। वो तो नाम ही है महादेव, मैंने देवताओं में महान जी। भाई रोहित जी हैं हुगली बंगाल से, कि आपने लिखा है कि हे महेश्वर, तुम्हें जानना समझना और पहचानना अनुमानस की सीमा से बाहर की बात है। तुम जैसे भी हो, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। तो शिव के शिष्य खुद में किस शिव को जानने अध्यात्म में अग्रसर होते हैं या हो रहे हैं? महादेव दो तीन थोड़ी है, महादेव वही है जिसकी पूजा होती है मंदिरों में, जिसके गीत गाए जाते हैं गांव घरों में। महादेव तो वही है, वही गुरु है, वही सब कुछ है। शिव के शिष्य भी उसी महादेव को मानते हैं जिसको सारा जगत मानता है, सारा भारतवर्ष मानता है। हम लोग शिव को महादेव के रूप में भी पूछते हैं, जिस रूप में कहिएगा उस रूप में पूछते हैं। मंत्र एक ही है नमः शिवाय, यानी शिव को प्रणाम। शिव के शिष्य और बाहर के लोगों के महादेव में कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है, हो ही नहीं सकता है। शिव तो अपने अकेले है, वो एक ही सत्ता है, नाम जितने मन करे दे दीजिए, सत्ता तो वही रहे। जी भाई सुनील जी हैं 24 परगना बंगाल से, कि संसार में शरीरधारी गुरुओं की परंपरा चली आ रही है। जब शिव को गुरु मानने को कहता हूँ किसी को, तो लोग कहते हैं कि गुरु एक ही बनाया जाता है, इसीलिए अब दूसरा गुरु नहीं बनाऊंगा। तो क्या कह के समझाऊं, समझ नहीं पाता। पहले इन्होंने अपने बच्चे को प्राइमरी से मिडिल में भेजा है कि नहीं? जो सवाल कर रहे हैं कि एक ही गुरु बनाया जाता है, इन्होंने अपने बच्चे को प्राइमरी से मिडिल में भेजा है कि नहीं? मिडिल से हाई स्कूल में भेजा है कि नहीं? हाई स्कूल से कॉलेज में भेजा है कि नहीं? कॉलेज से विश्वविद्यालय में भेजा है कि नहीं? अगर इतनी जगह गुरु ये बदल सकते हैं, तो अपने उस जीवन के लिए गुरु बदलना अपराध है क्या? तभी नहीं हो सकता। दत्तात्रेय जी के बहुत गुरु हैं, मेरे 20-21 गुरु हैं, लास्ट में जाकर शिव गुरु हुए। अरे भाई, बच्चों के ज्ञान के लिए गुरु बदले जाते हैं, रोगी की चिकित्सा नहीं ठीक से होती है तो डॉक्टर्स बदले जाते हैं। आपको ज्ञान सही नहीं मिल रहा है, अगर आपको लगता है तो गुरु बदले जाएंगे। और जब शिव को गुरु मान ही लिया, तब तो आप हाईएस्ट पर हैं, तब तो आप सर्वोच्च पर हैं, अब तो आप बदल ही नहीं सकते, क्योंकि अब उससे ऊपर कुछ होता ही नहीं, कोई गुरु ही नहीं है, वो महेश्वर है, वो ईश्वर है, सर्वोच्च गुरु है। इसीलिए गुरु बदले जा सकते हैं भैया, दत्तात्रेय जी के गुरु इतने हुए, आपने भी विद्यालय बदला होगा, प्रश्नकर्ता ने भी विद्यालय बदला होगा, प्राइमरी से मिडिल, मिडिल से हाई, हाई से ऊपर भी कॉलेज, आपने भी गुरु बदला होगा। गुरु के बदलने से गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं खत्म होती है, वो रहती है, लेकिन पढ़ाई बदल जाती है। 8वीं क्लास की किताब 9वीं में नहीं चलती है, लेकिन 8वीं का जो आपका पुराना शिक्षक है वो मिलेगा, तो उसको आदर जरूर दीजिएगा। अगर आदर नहीं देते हैं तो आप सही आदमी नहीं है, आप गड़बड़। जी बहन नीलू है पाकुर झारखंड से, कि गुरु कार्य ईमानदारी से करने पर भी गुरु करी एवं हृदय विदारक परीक्षा क्यों लेते हैं? शिव गुरु के रूप में कोई परीक्षा नहीं लेते, शिव गुरु के रूप में कोई परीक्षा नहीं लेते, ले ही नहीं सकते, अगर लेंगे तो कोई उत्तीर्ण ही नहीं होगा, कोई पास ही नहीं करेगा।
होता ये है ना कि हम लोगों के जो अपने कर्म हैं, स्वकर्म हैं, अपने कर्म हैं, वो इस जन्म के हो या पहले के जन्म को हो, वो स्वकर्म जो है हम लोगों के, वही जब क्रियामान या प्रारब्ध में बदलते हैं यानी फलित होने लगते हैं, हम ही लोगों के कर्म, हम लोगों के स्वकर्म, तो परेशानियां भी आती हैं, सुख भी आते हैं। सुख भी घातक हो सकता है आध्यात्म में, दुख भी घातक हो सकता है आध्यात्म में, बाधाएं दे सकता है। सुख तो बहुत देता है, दुख कम देता है, लेकिन बाधक दोनों हो सकते हैं, सुविधाएं भी दे सकते हैं, मार्ग को प्रशस्त भी कर सकते हैं। दोनों स्थितियों में हमारे आपके कर्म फल हैं। गुरु की दया, कहा जाता है गुरु उपाय, शिव सूत्र में लिखा हुआ है गुरु उपाय, गुरु की दया उन स्वकर्मों के प्रतिफल में परिवर्तन करके आपको कम से कम ट्रैक्टर पर नहीं चला के स्कॉर्पियो पर चलाती है, ताकि जिंदगी के खराब गड्ढों में आपको चोट कम लगे, झर्क तो महसूस होगा कि गाड़ी सड़क खराब है, लेकिन आपको चोट कम लगेगी, दर्द कम होगा, शरीर में थकान कम हो जाएगी। तो वो हम लोग के स्वकर्म है। बड़ी ईमानदारी से भी महादेव के काम करते हैं आप, तो हमारे आपके स्वकर्म तो हैं, हम लोग जैसा है वैसे ही रहेंगे। उनकी दया ही उसको उसमें परिमार्जन करती है, परिवर्तन करती है। जी भाई पवन जी हैं हुगली बंगाल से, साहब आपने कहा है मनुष्य के सहज प्रेम से परमात्मा लभे हैं, ये सहज प्रेम क्या है और क्या कोई दुर्लभ प्रेम भी है? सहज प्रेम से परमात्मा लभ है, हाँ मैंने कहा। सहज का अर्थ होता है स जोड़ ज, मैंने साथ में जो जन्मा हुआ है, यानी जो हमारे साथ पैदा हुआ है, यानी प्रेम तो हम लोग के साथ पैदा होता है, माँ को करते हैं, पिता को करते हैं, घर को करते हैं, खिलौनों को करते हैं, प्रेम तो हम लोग का स्वाभाविक है, भय भी है स्वाभाविक, बहुत सारी वृत्तियाँ हैं जो जन्मजात हैं, वो पैदाइशी होती है, तो प्रेम भी है। प्रेम जो जगत की ओर चला है, खिलौने के लिए बच्चे मार कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं अपने ही सहोदर भाई से, जबकि पिता ने दोनों खरीद के दिया है, दोनों साथ था, दोनों देखे हुए, तब भी खिलौने के झगड़ा हो रहा। तो खिलौनों के लिए झगड़ा प्रेम का द्योतक है, आकर्षण का द्योतक है। यही आकर्षण और प्रेम अगर खुदा के प्रति हो जाए तो, शिव के प्रति हो जाए तो, बस यही सहज प्रेम से वो परमात्मा लभ है। प्रेम के क्या कहिएगा, हथियार को शिव की ओर मोड़ो, परमात्मा की ओर करने की जरूरत नहीं है, प्रेम में खुद ही इतना बल होता है, आकर्षण होता है कि आपको खींच के ले ही जाएगा, उधर आपको बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। आसान नहीं है, ये स्वाभाविक स्थिति नहीं है कि जगत से पारलौकिक जगत में ही शिव की ओर चला जाए, या आसान नहीं है। तो इसके लिए गुरु अच्छे मिल जाए तो वो आपको धीरे 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 घुमा देते हैं, वो टर्न करते हैं, स्टेयरिंग को बहुत स्लोली काटते हैं ईश्वर की ओर, ताकि आपका लौकिक जगत भी छीने नहीं हो, परलौकिक जगत भी मिले, दोनों में एक समानांतरण, एक बैलेंस, एक सामंजस्य गुरु बनाते हैं। भाई विनोद जी हैं गैंगटोक से, इस साप्ताहिक चर्चाओं में अभी तो कोरोना काल में बंद किया गया है, लेकिन पहले भी जब चलता था या अभी भी जो लोग फोन से बातचीत करते हैं तो वो लोग कहते हैं कि मेरे पड़ोस में कोई बीमार हो गया या मेरे घर में कोई दूसरा व्यक्ति बीमार हो गया है, तो क्या उसके लिए दया मांगी जा सकती है? दूसरों के लिए अगर दया मांगी जा सकती है तो किस तरह? किस तरह भाई, दया मांगना है कोई तरीका, कोई स्पेशल डिजाइन है कि पांव ऊपर कर लेना, मुड़ी नीचे कर लेना? दया मन की चीज़ है, मन मांगेगा, ऐसा थोड़ी है कि सिद्धासन लगा के दया मांगिएगा, पद्मासन लगा के दया मांगिएगा, लंबे लेट होके लंबा लेट के दया मांगिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अरे मन दया की याचना करेगा ना, दूसरों के लिए दया मांगी जा सकती है, लेकिन उसकी देख लीजिए उसकी स्थिति क्या है। वो खुद भी अगर दया मांग सकता है तो बीच में आप उंगली कहाँ डालना उसको सिखाइए। उसके जीवन में बहुत सारी घटनाएं ऐसी होंगी जहां आप नहीं होंगे, तो ये दया उससे उसके द्वारा सीखी गई दया मांगने की प्रक्रिया उसको मदद करेगी। दया मांगने में कोई दिक्कत नहीं है, मांग सकते हैं, लेकिन क्यों उसको क्यों नहीं सिखलाते हैं, उसको भी सिखलाइए। कहीं कितनी देर आप उनके लिए दया मांगेंगे, उसका जीवन का अंतराल लंबा है ना।
भाई नारायण जी हैं धूलाबारी नेपाल से, कि जिस तरह से कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में वृद्धि हो रही है, इस त्रासदी के माहौल में मनसा वाचा कर्म ना गुरु कार्य नहीं हो पा रहा है, इसका समाधान क्या है, हम क्या करें? अरे गुरु कार्य नहीं हो पा रहा है। गुरु कार्य क्या क्या है बताइए। एक तो है आप चर्चा करना, उसी को एक गुरु कार्य समझते हैं, बाकी किसी को तो हम लोग समझते नहीं, क्योंकि उसमें मजा आता है दूसरों को समझाने में, आदमी सुख अनुभूति अनुभव करता है, अच्छा में लगता है। साले को समझाए बड़ी उठ रहा था, शिव शिव से बनाए, और उसी उसी से को किसी शिव शिव से को समझा रहे हैं, लेके हाँ साले हम सीनियर है ना, तो समझाए ना साले को। तो देखिए आत्मसंतुष्टि होती है, आत्मतुष्टि होती है, और यह अहंकार का द्योतक है, ये अहम भाव का द्योतक है, ये मैंपन का द्योतक है, ये मैं आपका मजबूत हो रहा है इसका द्योतक है, जो अध्यात्म में बाधक होगा। तो शिव चर्चा केवल करना गुरु का कार्य थोड़ी है। अरे उनसे दया मांगी जानी चाहिए, फोन पर लोगों को प्रेरित करना चाहिए कि वो शिव की ओर चलें, उनको प्रणाम करना चाहिए, नमः शिवाय आपको दिया गया है, प्रणाम करिए। प्रणाम में बोलने की जरूरत नहीं है, दया मांगने में बोलने की जरूरत नहीं है, और फोन पर और अदर जो माध्यम है आपके इलेक्ट्रॉनिक, उस पर तो समझाया जा ही सकता है ना। अपने रिलेशन को समझाइए। चर्चा चर्चाएँ हो रही हैं, अभी साप्ताहिक चर्चा की बात चल रही थी कि लोग घरों में बैठ के पलंग पर गुरु चर्चा कर रहे हैं चश्मा पहन के, बाकी गुरु भाने नीचे बैठे हुए। एक आदमी मुझको तस्वीर भी दिखलाई एक जिले की, असी बहुत अपने को सीनियर मोस्ट कहने वाले उस जिले के शिव शिष्य हैं, उस साल कहाँ से सीनियर मोस्ट हो गए हमको समझ ही नहीं आ रहा, जब आचरण ऐसा है। ये गुरु चर्चा है कि गुरु चर्चा का मजाक? तो गुरु चर्चा ही गुरु भाव है, गुरु का कार्य है। शिव का कार्य मात्र गुरु चर्चा करना है, ऐसा तो नहीं है बिल्कुल। अरे शिव से लोगों को जोड़ना है, ये गुरु चर्चा के माध्यम से होगा, ऐसा तो नहीं। कई माध्यम है जिसे समझाए जा सकते हैं, इसीलिए ऐसा मत कही कि गुरु चर्चा कैसे होगी। गुरु चर्चा के अन्य माध्यम है, तीन सूत्रों में गुरु चर्चा एक सूत्र है, बाकी दो बहुत महत्वपूर्ण सूत्र हैं। गुरु चर्चा आपको अहंकार में डालेगी भी, लेकिन ये पहला और तीसरा सूत्र दया मांगना और गुरु को प्रणाम करना, ये आपके अहंकार को शमित करता है, नीचे ले जाता है, और हम में आप में आध्यात्मिक को जगाता है। डू इट, इसको करिए। आप सबों को मेरा प्रणाम।